आतंक पर प्रहार, आतंकियों की संपत्ति कुर्क ही नहीं बुलडोजर भी चलेगा। कश्मीर के 109 लोगों की सूची तैयार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार तथा जांच एजेंसियों ने उनके पारिस्थितिकी तंत्र तथा आर्थिक स्रोत पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। न केवल उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, बल्कि खौफ पैदा करने के लिए वो उनके परिवारों के मकानों पर बुलडोजर तक चलाना शुरू कर दिया गया है। अब तक आधा दर्जन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इनकी फहरिस्त लंबी है। सूत्रों के अनुसार ऐसे 109 लोगों की सूची तैयार की गई है जो या तो प्रदेश में रहते हुए सक्रिय है या फिर सीमा पार पाकिस्तान भाग गए हैं और वहां से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कश्मीर के साथ ही जम्मू संभाग के किश्तवाड़ा, डोडा, रियासी, राजौरी व पुंछ जिले के आतंकियों तथा उनके मददगारों की सूची तैयार की गई है। इन सबकी संपत्तियों पर टेढ़ी नजर है, या तो इन्हें कुर्क किया जाएगा या फिर बुलडोजर से गिराया जाएगा। सूची के अनुसार सभी लोगों की अपराध की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी लोगों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जैसे जैसे इनके खिलाफ पुख्ता जानकारी मिल रही है, उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सक्षम कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ध्वस्तीकरण तथा जब्ती कार्रवाई की जा रही है। सूची में अंडरग्राउंड वर्कर भी शामिल। एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार से आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें अंडरग्राउंड वर्कर भी शामिल हैं। ऐसे लोग भी सूची में शामिल हैं जो काफी समय पहले पाकिस्तान भाग गए थे। सूची में जानकारी पुख्ता होने के बाद नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे सूची लंबी होती जा रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उनके आर्थिक स्रोत को चोट पहुंचाई जाए। इससे न केवल दहशत का माहौल बनेगा, बल्कि और भी लोग ऐसे काम करने से घबराएंगे। 370 हटने के बाद दागियों पर कार्रवाई। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद को काबू पाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हुआ है।